तो गरम करना जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लिया है ये सामान। आपको इस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने 4 टमाटर, 2 प्याज आपने ले लेनी है और 4 हरी मिर्चें, मोटी हो तो ये बड़ी वाली हो ये ले लें, या छोटी मिर्चें जो आप डालना चाहें वो डाल लीजिएगा। इसमें आपने 1 गिलास पानी लेके इसको आपने पकाना है। जब ये आधा रह जाएगा तो हमने इसको पीस लेना है, ठीक है। उसके अलावा चाहिए हमें कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच मैंने लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर, 4 ये ऊपर का सामान है, 4 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, या कुटी मिर्च हसब ज़ायका लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 10-15 नाने काली मिर्च के हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब हम आ जाते हैं पकाने की तरफ। गिलास पानी डाल के मेरे पास जब ये आधा गिलास पानी रह जाए तो फिर हमने इसको पीसना है। देखिए सबसे पहले आपने 1 प्याली कुकिंग ऑयल जो है वो आपने इसमें शामिल करें, और इसके साथ ही आपने ज़ीरा और काली मिर्च भी इसमें शामिल करना है। देखिए ये ज़ीरा जब हमारा हो जाएगा तो आपने इसमें चिकन शामिल कर लेनी है। और साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर ले। अब आपने इसको चिकन को जो है खूब अच्छी तरीके से कुकिंग ऑयल में जो है ना पिंक कलर की कर लेना है, जैसे हो जाती है ना सिक जाती है, इस तरह की आपने गोल्डन सी कर लेनी है। इसमें खूब अच्छी तरीके से इसको इसमें फ्राई करिएगा ताकि ये टाइट सी हो जाए। देखें ये हो गया है, अब मैंने इसको ठंडा करके इसको पीस लेना है, ठीक है। जब पीस जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको ऑयल में फ्राई कर लिया। अब आपने करना है जो हमने मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का दिखाया था आपको, वो मैंने पीस के अब ये मिक्सचर आपने इसमें शामिल कर देना है। और साथ में ये मसाले जो थे ये भी आपने इसमें शामिल कर लें। अब आपने इसको ना हल्की आंच कर दें, मतलब नॉर्मल हल्की कर लें, ताकि इसी में ये हमारा गोश्त भी गल जाएगा और ये मसाला जब भुनने लगेगा तो फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। हमारा गल गया। अब आपने करना है कि जो मैंने ये टमाटर रखे थे काट के, ये 2 टमाटर हैं, ये आपने ऊपर से ये भी डालने, और आपने अब इसके साथ जो है इसकी भुनाई कर लेना है ताकि ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो जाए। और चिकन तो हमारी गल चुकी है, फिर मसाला भी भुन जाएगा अच्छे तरीके से। इतनी देर में मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये भुनाई हो गई है। अब आपने जब ठंडा हो जाएगा तो ये ऑयल आ जाएगा। अब मैं बिल्कुल दम की आंच पे इसको रख दूंगी। अब मैं इस पे हरी मिर्च, अदरक और ये हरा धनिया ये आपने इसमें शामिल करके और इसको बिल्कुल दम की आंच पे 5 मिनट के लिए रख दे और ये ऑयल ऊपर आ जाता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का।